ये देखिए स्विफ्ट डिज़ायर डीजल इंजन है। अब इसके हमने खोली क्लच प्लेट, जो देखिए क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है बिल्कुल, देखिए रिपीट पे बिल्कुल आ गई है, हल्की सी बहुत बारीक सी बची है। तभी इसको हम पूरा सेट कंप्लीट डालने जा रहे हैं, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच बेयरिंग, ये तीनों चीज़ हम डालने जा रहे हैं। तभी इसके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका क्लच प्लेट लगा लें, क्लच प्लेट ही लगा ले रहे हैं, देख लीजिए ओरिजिनल मारुति की है। तो इसमें लगाने जा रहे हैं, इसमें लगते हैं 6 वोल्ट T40 LNT के जो लगते हैं, इसको हम लगाएंगे। कहाँ पर लगता है अभी आपको दिखा दें। ये देखिए यहाँ पर लगता है, इसकी हमने सारी सफाई कर ली है, रेगमाल भी मार लिया है यहाँ पर हल्के से, और सफाई हो गई है बिल्कुल। अब देखिए आपको दिखाने के लिए इसकी कैसे पड़ती है, उल्टा सीधा आपको दिखा दें कैसे उल्टा सीधा होता है। ये देखिए एक तो हो गया उल्टा, ये स्टेम है उल्टा, और एक हो गई सीधा, स्टेम है सीधी। तो आपको दिखा दी स्टेम इस तरीके से डालेंगे तो गियर सही पड़ेंगे, और इस तरीके से हम डालेंगे तो गियर नहीं पड़ पाएंगे, इसके दिक्कत आती है गियर में, गियर पड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये ऊंचा हिस्सा होता है वो गियर बॉक्स की साइड रहेगा इस तरफ, और ये जो नीचा हिस्सा है फ्लाईव्हील की इंजन की साइड रहेगा, फ्लाईव्हील की साइड में। तो इसके लिए हम इसको लगाने जा रहे हैं, आपको दिखा तो दिया आपको, इसके बोल्ट भी दिखा दें आपको कैसे हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप के बोल्ट लगते हैं, ये देखिए T40 के, इसको हम लगाएंगे और इसको हम टाइट कर देंगे, फिर जब क्लच बेयरिंग डालेंगे फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। आपका इसका सेंटर भी बता देंगे, जब क्लच प्लेट डालेंगे फिर आपको सेंटर भी बताएंगे, सेंटर इसका कैसे मिलाया जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्लच प्लेट हमने कस दी है, अब इसका क्लच बेयरिंग खोलने जा रहे हैं। ये इसका देखिए क्लच बेयरिंग जाम फंस रहा है, यहाँ से 11 नंबर का पाइप खोलेंगे और 10 नंबर के 3 बोल्ट खोल के क्लच बेयरिंग बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, फिर अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक। क्लच बेयरिंग बाहर निकाल के देखिए, इसका पुराना बेयरिंग है और इसका ये नया वाला बेयरिंग है, अब इसमें डालने जा रहे हैं। ओरिजिनल वेयरिंग MJP का है, इसमें लगाने जा रहे हैं, आपको दिखा देंगे यहाँ पर का। देखिए यहाँ पर एक सील होती है और एक पाइप बस, और ये इस तरीके से लगता है, इसके हम ये हटा देंगे और इसके पाइप लगा देंगे, ये वाला पाइप लगा देंगे 11 नंबर का, और 3 बोल्ट इसके टाइट कर देंगे, फिर अभी आपको दिखा रहे टाइट करके, ठीक। देखिए क्लच वेयरिंग हमने टाइट कर दिया है, ओके, यहाँ भी कम्प्लीट हो गया, वहाँ भी आपको दिखा रहे हैं सेंटर कैसा मिलाया जाता है, सेंटर इसका क्लच प्लेट का। ये देखिए इसका सेंटर देख लीजिए, बिल्कुल सही है सेट, इस टाइम आपको वीडियो में लग रहा होगा इधर उधर, लेकिन लेकिन बिल्कुल सेट सेंटर इसका, इसमें गलत से चढ़ा देंगे, ओके। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक बात आपको और बता दें, ये गाड़ी भाग नहीं रही थी, जैसे स्पीड नहीं पकड़ रही थी, वो पिकअप नहीं रही, पिकअप से उठ नहीं रही थी गाड़ी, तो इसका मतलब इसकी क्लच प्लेट ख़त्म हो गई थी, तभी इसमें आपको बता दिया इसमें यह दिक्कत थी। बाद में लोग पूछते हैं, आपने प्रॉब्लम नहीं बताई क्या प्रॉब्लम थी इसमें, सिर्फ प्रॉब्लम थी गाड़ी भाग नहीं रही थी, ठीक, ओके।